Hello, it's SS2, ready to rock your day with a video. What if every Ben 10 Classic alien was a Pokemon? क्या होता अगर सारे जितने भी Ben 10 Classic series में हमें alien दिखे वो एक Pokemon होते? तो start करते हैं with Heat Blast. तो Heat Blast obviously fire type तो होता, पर उसके साथ साथ वो rock type होता, क्योंकि उसको हमने rock manipulate करते हुए बहुत बार देखा है. जैसे वो rock पे ही उड़ता है, उसकी सवारी करता है. Number 2, Wild Mud. तो उसके पास as such कोई main powers नहीं, इसलिए मैंने उसको normal typing दी है. तीसरा Diamond Head. तो Diamond Head का थोड़ा explain करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो उसकी ground type है, क्योंकि वो जितना भी अपना attack करता है वो ground से related होता है, मतलब ground में spike निकालना, ground से सब वो. और दूसरा जो है steel type है, क्योंकि diamond जितना hard material दो, diamond type तो कोई है नहीं, तो मैंने steel दे दिया कि उतना ही hard एक material उसके पास रहे. नंबर 4, Accelerate. तो नॉर्मल और स्टील, तो नॉर्मल इसलिए क्योंकि उसके पास भी एज सच कोई पावर्स नहीं है, और दूसरा स्टील क्योंकि वो उसके पहिए हैं, वो हो सकता है स्टील के बॉल्स हों. नंबर 5, ग्रे मैटर. तो ग्रे मैटर साइकिक टाइप होगा, क्योंकि उसका जितना भी चीज़ है वो सब उसके दिमाग से होती है, उसकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है. नंबर 6, फोर आर्म्स. तो उसका मैंने दिया फाइटिंग और ड्रैगन. फाइटिंग इसलिए क्योंकि वो क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ड्रैगन इसलिए क्योंकि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, एक ड्रैगन की तरह उसकी स्किन बहुत हार्ड है, ड्रैगन स्केल्स की तरह. नंबर 7, स्टिंग फ्लाई. तो बग फ्लाइंग पॉइजन में मैं बहुत ज्यादा फंस गया हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो एक कीड़ा है, उड़ता है, और जो पॉइजन जैसा कुछ लिबलिबा फेंकता है. तो तीनों में से दो जो आपको अच्छा लगे वो आप रख लो. नंबर 8, रिप जॉस. तो ये होगा वाटर और डार्क टाइप. वाटर के लिए तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. डार्क इसलिए क्योंकि वो थोड़ा ईवल टाइप का हो जाता है, मतलब उसके देखने से वो पिराना जो भी पे बेस्ड है. नंबर 9, अपग्रेड. तो इलेक्ट्रिक और नॉर्मल टाइप. तो इलेक्ट्रिक इसलिए क्योंकि वो बहुत थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और नॉर्मल इसलिए क्योंकि वो है नॉर्मल, पर वो उस मशीन की तरह बन जाता है ना जिसको वो कवर करता है. नंबर 10, घोस्ट फ्रीक. तो घोस्ट के लिए तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. दूसरी टाइपिंग है डार्क. डार्क इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईवल, उसने पता नहीं कितनी बार Ben 10 की बैंड बजा दी है. नंबर 11, कैनन बोल. कैनन बोल ग्राउंड टाइप, मेरे को खुद ही नहीं पता मैंने उसको ग्राउंड टाइप क्यों दी है. मे बी क्योंकि ये ग्राउंड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है, ग्राउंड पे ही इसका चलना फिरना जो भी, मतलब बहुत तेजी से ग्राउंड पे रोल करता है, और ग्राउंड से अटैक इसके बहुत ज्यादा है. इसका एक अटैक था अर्थक्वेक, एक मैंने गेम में खेला था तो वही मेरे को याद था. 12, वाइल्ड वाइन. ग्रास तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. और दूसरा फेरी. तो फेरी इसलिए क्योंकि वो थोड़ा मैजिकल पावर भी पोजेस करता है ना, बहुत ज्यादा प्लांट उगाना, अपने हाथ को इधर उधर बढ़ा देना. नंबर 13, स्पिटर. तो स्पिटर होगा पॉइजन टाइप, थूक थूक थूक. नंबर 14, बस शॉक. तो ये इलेक्ट्रिक टाइप तो होगा ही होगा. दूसरी टाइप इसकी होगी डार्क, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉटी टाइप का है यार. नॉटी क्या बोल दिया मैंने, थोड़ा शरारती है, उसकी सोच थोड़ी इविल टाइप की है. नंबर 15, आर्टिग्यूना, आइस टाइप. 16, ब्लिट्सफुल. तो डार्क टाइप तो होनी ही होनी, क्योंकि वो इविल है. और दूसरी टाइप मैंने पॉइजन रखी, क्योंकि वो कुछ स्पिट करता है ऐसे पॉइजन टाइप का. नंबर 17, अपचक. तो पॉइजन ऑफ फायर, क्योंकि इसकी मेन पावर स्पिट है, कोई भी चीज़ खाता है और फिर थूक देता है, और उसके बाद जो ब्लास्ट होता है उससे फायर टाइप. 18, स्नेरो. स्नेरो मतलब वही पेन मम्मी. तो डार्क टाइप तो होगी, क्योंकि अभी ईवेल ही है, बस इसकी कॉपी बना ली थी बेन ने. और घोस्ट टाइप होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मीज मर चुके होते हैं. नंबर 19, फ्रैंकन स्ट्राइक. तो इलेक्ट्रिक टाइप तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करता है. और दूसरी टाइप होगी साइकिक, क्योंकि फ्रैंकेस्टाइन जो डॉक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से खेलता था, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था. नंबर 20, आयगाय. तो ये भी पॉइजन एंड फायर टाइप होगा, क्योंकि ये आँख से बहुत शॉर्ट्स जो फेंकता है वो पॉइजन टाइप, पॉइजन के तरीके के लगते हैं. और दूसरे जो फायर है वो ब्लास्ट करता है ना अपनी आँखों से लेज़र शूट करके. तो नंबर 21, वेबिग. फाइटिंग ऑफ फेरी. अब फाइटिंग तो सबको पता है, क्लोज कॉम्बैट में वेबिक बहुत ही अच्छा है, भले उसका साइज कितना हो, क्लोज कॉम्बैट में अच्छे अच्छे को मार देता है. और फेरी टाइप मैंने ऐसे एज सच बहुत ज़्यादा तो रीजनिंग नहीं है, बस यही रीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा हीरोइक टाइप का, मतलब वेबिक एक प्रॉपर हीरो पावर रेंजर टाइप का लगता है ना, इसीलिए वो फेरी टाइप भी है. नंबर 22, डिट्टो. अपना वाला नहीं, Ben 10 वाला. तो नॉर्मल टाइप, क्योंकि इसकी एज सच कोई पावर नहीं डुप्लीकेट करने के अलावा. और दूसरा होगा फाइटिंग टाइप, क्योंकि वो क्लोज कॉम्बैट में काफी अच्छा है. एंड दैट वॉज द वीडियो. पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब. किसी को जानते हो जिसको ये वीडियो पसंद आएगी तो उसको शेयर करो. और ये जितनी भी मैंने टाइपिंग इन लोग को दी है वो सब मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स.